बिहार सरकार ने जातिगत गणना के आंकड़े किए जारी। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बना बिहार। आंकड़े जारी होते ही शुरू हुई राजनीति। जातियों के आंकड़ों का क्या होगा राजनीति पर असर। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के शुभ अवसर पर बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए थे। इसके साथ ही बिहार जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। वहीं इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। सर्वे के आंकड़े जारी होने के बाद बीजेपी लगातार बिहार सरकार पर हमला बोल रही है। यहां सोचने वाली बात है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद क्यों हिचक रही है। इससे आगे की राजनीति पर कुछ बड़ा असर होने वाला है या फिर क्या आने वाले चुनाव में इससे बीजेपी की जीत पर असर पड़ सकता है, इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए आपको एक खास रिपोर्ट देखनी होगी। लेकिन उससे पहले हमारा सरकार द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट पर एक नजर डालना जरूरी है। बता दें कि सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक राज्य में सबसे बड़ी आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है, जो राज्य की कुल आबादी के करीब 36% है। आंकड़ों के लिहाज से बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, आरक्षित यानी कि सवर्ण जातियां करीब 15.52% हैं, अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है, मुस्लिम 17.7%, ईसाई 0.05%, बौद्ध 0.08%, सिख 0.01% है। आंकड़ों में किसकी कितनी आबादी, राज्य में अलग अलग जातियों की आबादी कितनी है, वो आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक यादव की आबादी 14%, रविदास कर्मकार 5.25%, कुशवाहा 4.21%, मुशहर की आबादी 3%, कुर्मी करीब 2.87%, तेली 2.81%, मल्लाह 2.6%, बनिया 2.31%, कानो 2.21%, ब्राह्मणों की आबादी 3.65%, राजपूतों की आबादी 3.45%, भूमिहारों की आबादी 2.86%, कायस्थों की आबादी करीब 0.6% है। तो वहीं जाति आधारित जनगणना में किन्नर ट्रांसजेंडर समुदाय को अलग वर्ग में रखा गया है और राज्य में उनकी कुल संख्या 825 बताई गई है। बिहार में जाति आधारित जनगणना का काम आसान नहीं रहा है। इस तरह की जनगणना को अदालत में भी चुनौती दी गई और ये मामला पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। दरअसल इसी साल 2023 में जनवरी में जाति आधारित जनगणना के पहले चरण में राज्य भर में मकानों की सूची तैयार की गई थी। इसमें मकान के मुखिया का नाम दर्ज किया गया था और साथ में मकान या भवन को एक नंबर दिया गया था। इसमें करीब 2,59,00,000 परिवारों की सूची तैयार की गई थी। कास्ट सर्वे का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई को खत्म होना था, लेकिन मई के पहले सप्ताह में पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। पटना हाई कोर्ट ने अगस्त में ये रोक हटाई थी और जातिगत जनगणना का काम आगे बढ़ा था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पहली बार में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने को कहा था, हालांकि कोर्ट ने इस पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया था। क्यों हिचक रही केंद्र सरकार। सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद बीजेपी द्वारा बार बार इस पर सवाल उठाना साफ दिखता है कि कहीं न कहीं बीजेपी बिहार सरकार के इस कदम से डरी हुई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को इस तरह के जनगणना से डर ये है, इससे अगड़ी जातियों के उसके वोटर नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी का परंपरागत हिंदू वोट बैंक इससे बिखर सकता है। बीजेपी का जातिगत जनगणना से कतराने का मुख्य कारण ये डर भी है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार की नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कोटे में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाएगा। तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी मुख्य राजनीतिक दलों की एक दुविधा है, वो पिछड़े अल्पसंख्यकों और वंचित समाज के वोट तो चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो फॉरवर्ड क्लास का समर्थन भी नहीं खोना चाहते हैं। इसी वजह से बीजेपी भी इससे बचना चाहती है। रिपोर्ट सामने आते ही शुरू हुई क्रेडिट पॉलिटिक्स।
बिहार में जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। सीएम नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक के बाद एक अपने पुराने ट्वीट को रिट्वीट किया है और ये बताया है कि वर्षों से उनकी मांग रही है कि वहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि इसमें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है बल्कि इसमें भाजपा की भूमिका रही है। जाति से तय होगी 2024 की राजनीति। विपक्ष सामाजिक न्याय के नाम पर साल 2024 के चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर दबाव बनाने और दलित पिछड़े वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। जातिगत संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर विपक्ष दलितों और पिछड़ों के बड़े वोट को अपने पक्ष में लाना चाहता है। माना जाता है कि इससे बीजेपी के कथित हिंदू वोट बैंक को भी कमजोर किया जा सकता है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि पक्ष और विपक्ष के लिए चुनाव में जातियाँ एक महत्वपूर्ण किरदार निभाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।